कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। कंप्यूटर बेसिक के क्लास में आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो हमारा कंप्यूटर है, तो तीन मेन कंपोनेंट होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का। पहला होता है इनपुट डिवाइस, फिर होता है सीपीयू और आउटपुट डिवाइस। अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिससे हम कंप्यूटर को इनपुट पास करते हैं अगर हमें कुछ भी टास्क परफॉर्म कराना है। तो पहला इनपुट डिवाइस हो गया हमारा कीबोर्ड, ठीक है। सेकंड इनपुट डिवाइस हो गया हमारा माउस, ठीक है। थर्ड इनपुट डिवाइस हो गया हमारा स्कैनर। इसके अलावा भी अभी बहुत इनपुट डिवाइस है तो हम यहाँ पर एक्सेट्रा कर दे रहे हैं। तो ये जितने भी इनपुट डिवाइस की बात हमने की, इनका यूज़ करके हम कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट पास करते हैं और जो भी टास्क हम परफॉर्म कराना चाहते हैं हम यहीं पे असाइन करते हैं तो कंप्यूटर करता है, ठीक है। अब बात करते हैं सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। इसका सबसे पहले तीन पार्ट होता है। एक होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट, जो कि कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। सेकेंड होता है मेमोरी, ठीक है। और एक होता है लास्ट में ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि जोड़ घटाव गुना भाग करने के काम में आता है। अगर हम मेमोरी की बात करें तो अगेन इसे टू पार्ट में लिखा गया है। एक होता है रैम, सेकंड होता है रोम और एक होता है हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे आप जो रैम और रोम देख पा रहे हैं ये हो गया प्राइमरी मेमोरी और हार्ड डिस्क हो गया हमारा सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो ये सारे सीपीयू के पार्ट्स हो गए। सीपीयू के अंदर अगर आप देखेंगे सीपीयू को खोल के तो आपको ये सभी चीज़ें दिख जाएंगी वहाँ पे। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जहाँ पे हमें कुछ रिजल्ट दिखता है, जैसे पहला आउटपुट डिवाइस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ही होता है मोनिटर, जहाँ पर हम रिज़ल्ट देखते हैं। सेकेंड हो गया स्पीकर, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है क्योंकि वहाँ पे भी हमें आउटपुट मिलता है, जो भी हम गाना वाना प्ले करते हैं वो सुनाई देता है हमें। फिर हो गया प्रिंटर, जिसका यूज़ प्रिंट आउट निकालने के लिए किया जाता है। तो आउटपुट डिवाइस जहाँ से आउटपुट बाहर आता है वो हो गया आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जहाँ से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वो हो गया इनपुट डिवाइस। सीपीयू, सीपीयू का तीन पार्ट होता है, मेन पार्ट सीयू, मेमोरी एएलयू। मेमोरी को भी अगेन थ्री पार्ट में बांटा गया है। अगर आप इनपुट डिवाइस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। सीपीयू के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं बढ़िया से थ्योरी के साथ तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं। और आउटपुट डिवाइस के बारे में भी अगर आपको जानना है तो हम आपको लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप इन सभी के बारे में बढ़िया से जान पाएंगे अलग अलग वीडियो देखने के बाद। तो इस वीडियो में जितने भी कंपोनेंट्स थे यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे हो कंप्यूटर के, ये हो गया हमारा मोनिटर, उसके बाद ये हो गया कीबोर्ड और इधर हो गया हमारा सीपीयू। इस फिगर में जितने कंपोनेंट्स हैं उतने ही कंपोनेंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। इस सीपीयू के अंदर अगर आप झांकेंगे तो ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।